कुत्ता बना के गली में दौड़ा देंगे तुम्हें। असली नाम पूछ, असली नाम। लानत तो शराब, मैंने कहा लानत तो आप पे। तो दानिश भाई अलग के बंदे थे, वो किसी का नाम नहीं लेते थे। ये जो आजकल बड़े बड़े सोशल मीडिया पे जो बड़े छपरी बने हुए हैं, सब कुछ दानिश भाई ने सिखाया सबको। वेलकम बैक टू द फ्रेंड वेंचर। फ्रेंड वेंचर हमेशा कोशिश करता है अपने चाहने वालों को दासों चीज़ें दिखाने का, तो आज फिर से फ्रेंड वेंचर लेकर आया है एक दासू और ख़तरनाक एपिसोड आपके खिदमत में हाजिर है। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है फ्रेंड वेंचर को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही जाने मानी जगह जिसका नाम छपरिस्तान, आपने सुना ही होगा। तो वहाँ जाके कुछ व्यक्तियों से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे, हाल अहवाल पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं। जी हाँ, तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद थे छपरिस्तान के बहुत ही एक वाहियात किस्म के छपरी, तो हम इनसे इनके हाल अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? कूल बॉय एके हार्ट किलर। अब रियल नेम पूछा, रियल नेम। कुत्ता बना के गली में दौड़ा देंगे तुम्हें। असली नाम पूछ, असली नाम। ये देख रहे हो इनके नाम भी, हार्ट किलर एके रेप्टा मारेंगे मुंह पे। हमारे देश में आके हम ही से भिड़ना, पिंटू हार्ट किलर आई किलर इनोसेंट बॉय, आओ इसको मारो। हाँ, हम ही से बदमाशी, इसको उड़ा दो गोली से, उड़ा दो इसको। अबे ये क्या कर रहे हैं? फायर कर रहे हैं, फायर। उड़ा देंगे तुम्हें, उड़ा देंगे। अबे इन कुत्तों को भगा दो, वरना ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि अपना असली नाम भी भूल जाएंगे, अपने बात का नाम भी भूल जाएंगे। भगा दो इन कुत्तों को। हाँ तेरी तो। जी हाँ, तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था, यहाँ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा कैसे इन छपरियों ने मुझ पर एक जानलेवा हमला किया, लेकिन हमने जैसे तैसे करके उनको भगा तो दिया। लेकिन अभी हमारा आगे जाना महाल न कर दे ये छपरी कहीं, तो जल्दी जल्दी हम आगे जाके इस छपरिस्तान को मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इस ग्राउंड लेवल से आपके लिए रिपोर्टिंग लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्टिंग आपको मिलेगी फ्रेंड वेंचर पे। तो बने रहिए फ्रेंड वेंचर पे, तो आप लोगों को ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देंगे हम। आ जाओ मेरे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ एक हमें बिल्डिंग दिखी है, इस बिल्डिंग में जाके, सुना है वहाँ एक बहुत बड़ी गैंग रहती है अपने छपरियों की, तो वहाँ जाके हम कुछ से इंटरव्यू करने की भी कोशिश करते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस बंदे से इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए हैं, तो उनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके रिलेटेड हम कुछ बातचीत कर लेंगे। तो चलो चलते हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद थे एक आला दर्जे की छपरी, तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो भाजन आप ये बता दें, भाजन भी नहीं छपरी भाई, तो आप ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको अपना गुरु मानते हो? अच्छा, आप इस ट्रैक पे कब आए और आप इसको छोड़ के किसी और ट्रैक में चले जाना है, कि आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो? तो मतलब थोड़ा कुछ बताएं, हम कुछ खुद समझ नहीं आ रही, हमारे ये जान देखने वाले हैं, हमारे चाहने वाले, उनको थोड़ा कुछ बता दीजिए ताकि इस बवासीर में हमारे देखने वाले इसमें ना पड़ जाए। ये देखो, हमारी इंस्पिरेशन हमारे गुरु एक ही है, वो दानिश भाई हमारी इंस्पिरेशन है। वो दानिश भाई अलग के बंदे थे, वो किसी का नाम नहीं लेते थे। ये जो आजकल बड़े बड़े सोशल मीडिया पे जो बड़े छपरी बने हुए हैं, सब कुछ दानिश भाई ने सिखाया सबको। दानिश भाई होते तो किसी का नाम नहीं लेता था वो। इस दानिश भाई की वजह से आज जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े छपरी बने हुए हैं, वो सब दानिश भाई ने सिखाया। दानिश भाई ने ये सब कुछ करना सिखाया। तो दानिश भाई हमारे गुरु हैं। बहुत ही आला दर्जे की छपरी हो यार तुम। नाज़रीन, इससे याद आया, यहाँ के आगे चलते हैं, एक कैफ़े भी है सुना है, तो वहाँ जाके हम कोई डोनट शोनट खाते हैं। सुना है वहाँ के डोनट बड़े मशहूर है, तो वहाँ जाके कुछ डोनट खाते हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से कोई डोनट शोनट खाते हैं फिर चलते हैं आगे। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी डोनट मिलेगा? जी वालेकुम सलाम। लानत तो आप पे। क्या चीज़? डोनट नहीं है? मैंने कहा लानत हो आप पे, हज़ार बार लानत हो आप पे। आप डोनट के नहीं, लानत के हकदार हैं। लानत कहा आपने? वो तो हमें ज़माने से बहुत ही मिल रहे हैं यार, ये इधर हम डोनट खाने आए थे, हमें लानत दे रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए। ऐसे कोची चीज़ दे रहे हो जी, तो जाओ यार। तो दुनिया की लानतें खा के मैं थक गया हूँ, तो अब मैं यहाँ पिंड साइड में आया हूँ, यहाँ भी सुना है एक टोला रहता है, तो उनसे भी हम जाके बातचीत करते हैं, कुछ हाल अहवाल पूछते हैं।
तो यहाँ आगे एक हमारे भाई मौजूद थे, भाई तो नहीं कहूँगा, एक शख्स भी नहीं आया मौजूद है एक कुत्ते ही, तो उनसे जाके हम बातचीत करेंगे, कुछ जरा पूछते हैं। आ जाओ मेरे साथ। जी आपका नाम? ये देखो आपका मोबाइल गिर गया, उठाओ 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 मोबाइल उठाओ। जी मेरा नाम है साइलेंट बॉय, ये मेरे हाथ में 10 करोड़ का फ़ोन है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? ये मेरे हाथ में 10 करोड़ का फ़ोन है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? मैं नाचूं तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अब ऐसा मारेंगे तो मैं दफा हो जाओ यार, कैसे ऐसे बंद, मैं थक गया हूँ मैं ऐसे बंद, मारो यार तुम लोग, की आए क्यों दुनिया में? ये आए तो सही, बस तुम लोगों ने ना इधर ही रहना है, हमारे तरफ नहीं आना है, ठीक है ना? हम तुम्हारी तरफ आएंगे। छोड़ो यार तो मेरे दोस्तों, मैं मायूस होके जा रहा हूँ, मायूसी का एक आलम छाया हुआ है, कोई हल नहीं।